उपेंद्र नाथ जी, माननीय साधना जी, डॉक्टर मालतीबेन, डॉक्टर दक्षाबेन, सरस्वती चंद्र जी, मेधाविनी जी और उपस्थित सभी मित्रों को प्रणाम। जब ये किताब देखी और इसको पहले कुछ सुना भी था साधना जी के मुख से, तब रामायण का एक प्रसंग याद आया। लंका पर विजय पाने के बाद लक्ष्मण का मन कुछ लंका में रहने के लिए ललायित हुआ। तब राम कहते हैं कि भाई लंका तो ठीक है, बराबर है, अच्छी है, लेकिन एक बात है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। लंका स्वर्णमयी होने के बावजूद भी नमे लक्ष्मण रोचते, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, कोई हिंदी में भी ऐसा काव्य है। उपेंद्रनाथ जी के रगरग में कश्मीरी खून बहता है, स्वयं कश्मीर के हैं। आनंद तुम मुझे इस बात का हुआ कि अच्छे साहित्य कर रहे हैं, इससे ज्यादा जैसे कहते हैं ना समानशीलक जसन यीशु सख्यम, तो हमारा इनसे ऐसे ही नाता जुड़ गया कि ये भी रंगमंच के कलाकार रहे हैं, मैंने भी बहुत काम किया है रंगमंच पर, कई संस्कृत नाटक मैंने लिखे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किए हैं और रंगमंच पर भी कई नाटक किए हैं। जो लक्ष्मण की बात कही, मैंने लक्ष्मण के पात्र में मुझे प्रथम पारितोषिक मिला था। तो ये तो सब ठीक है, महत्व की बात ये रही कि कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, केवल भौतिक रीति से नहीं, कश्मीर में जो विद्वत्ता रही है वो भी प्रशंसनीय रही है। और वहां के पंडितों का ये हाल हुआ, वो किसी भी भारतीय को त्रास देने वाला है। जो त्रासदी शब्द इन्होंने प्रयोग किया, आतंकवाद ऐसे किसी को मार देने से पूरा नहीं होता है, साइकोलॉजिकली भी मानसिक रीति से भी आतंक हो सकता है। और कश्मीर के जो पंडित हैं इनको दोनों प्रकार से सहन करना पड़ा। और उसी वेदना को लिए उपेंद्र जी संवेदन से अपनी वेदना को इस माध्यम से प्रकट किए हैं। वही संवेदना साधना जी को हुई, इन्होंने मन किया कि मुझे इसका अनुवाद करना है। अब अनुवाद करने की जब बात आती है ना, तब तो बड़ी जागृति रखनी पड़ती है। मैंने जब हनुमान चालीसा का संस्कृत अनुवाद किया उसी लय में, और इसके बाद रामचरितमानस पूरा इसका गुजराती में अनुवाद किया, तब पता चला कि अनुवाद करना कितना दुष्कर होता है। स्वतंत्र लिखना आसान है, आप उसमें बिल्कुल मुक्त हैं, अनुवाद करना कई तरह से मुश्किल होता है। मैंने कुछ ऐसे निर्देश किए हैं कि जब अनुवाद करने बैठता है कोई तो इसकी जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। पहला तो ये है कि उसको दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हिंदी ना जाने, जब तक गुजराती बराबर ना जाने, तब तक इसका अनुवाद कर नहीं सकते हैं।
तो दोनों भाषाओं का ठीक से ज्ञान होना चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि भाषाओं में प्रभु तो बराबर है, अनुवाद कर लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन वो ठीक नहीं होता। सही बात, ठीक नहीं होता है, उसमें शब्दों का चयन करना पड़ता है, कहाँ कौन शब्द ठीक से बैठेगा। कभी कभी तो ये भी होता है कि दो तीन दिन ऐसे एक पंक्ति पकड़ के बैठे रहते हैं, शब्द नहीं मिलता है, ये अनुभव बोल रहा है मेरा। तो इसके लिए कुछ मित्रों की भी मदद लेनी पड़ती है, चलता है वो तो सब। तो दूसरी बात यह है कि दोनों भाषाओं में से उचित शब्द चयन करना होगा। तीसरी बात है कि जो मूल में कवि ने लिखा है, इसके साथ जब तक आप जुड़ नहीं जाते तब तक सही अनुवाद नहीं होता है। समसंवेदना होनी चाहिए, इनके मन में जो चलता है ना, उसके साथ आपको चलना है, और तभी सही अनुवाद होगा। और अनुरूप शब्द तो कहीं मिल गया, पर कभी कभी शब्द का स्थान भी निश्चित करना जरूरी होता है। क्या बात, मैं गुजराती की बात कहूँ, समझ लेंगे आप। जी जी, गुजराती में एक पर्ण शब्द है, पर्ण। अबे ए पर्ण शब्द ने जुदी जुदी जगह थी मुकवा थी केटलो बधो फेर पड़े छे, से ध्यान थी सांभळजो। पहलू वाक्य छे, पण हूँ तने चाहू छू, पण हूँ तने चाहू छू, आनो शुं अर्थ थयो? हूँ बीजा ने चाहू छू, तने पण चाहू छू, अथवा तने मात्र दुख नथी आपतो, तने चाहू पण छू, बराबर। आ एक वात, पछी बीजुं, हूँ पण तने चाहू छू। जो पण जे पहलो हतो ए बीजो आवे के हूँ पण तने चाहू छू, बीजा भले चाहता होय पण ए बधामांनो हूँ एक छू। पछी पण ने आगळ लई जईए, हूँ तने पण चाहू छू, आई लव दी अदर्स, आई लव यू ऑल्सो, हूँ तने पण चाहू छू। हवे पण ने वधार पाछळ લઈ જઈએ કે હું તને ચાહું, હું તને ચાહું પણ છું, ચાહું પણ છું, હું તને ચાહું પણ છું, માત્ર નફરત નથી કરતો, ઝઘડો નથી કરતો, ચાહું પણ છું। અને છેલ્લે એક બીજું ઉદાહરણ આપો કે હું તને ચાહું છું પણ, બહુ જલ્દી અર્થ પકડી લીધો, એક જ શબ્દને જુદી જુદી જગ્યાએથી મૂકવાથી કેટલો ફેર પડે છે। संस्कृत में एक है ना ऐसे, एक शब्द सम्यक ज्ञात सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामत भवति। कोई किसी एक शब्द को ठीक से आप जान लें तो वो शब्द आपको स्वर्गे लोके कामत भवति, स्वर्ग लोक में भी काम धेनु जैसा सहाय करती है। तो साहब ने जो अभी कहा था ना कि शब्द में कितनी शक्ति है, शब्द में कितनी शक्ति है, सबसे पहले जो पैदा हुआ ना वो शब्द पैदा हुआ था। वो जो एक शब्द की बात कहते हैं ना, वो एक शब्द है ओंकार, ओंकार, ओंकार। और ओंकार के बाद बाकी सब साहित्य बिखरता रहा। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, व्याहरण मामनुस्मरण, गीता में कृष्ण जी कहते हैं। और ओंकार तो बहुत प्रतिष्ठा हुई है, खूब है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी लोग इसका ध्यान करते हैं। और क्यों? कामदम, वो भौतिक सुविधा भी देता है और मोक्षदम चाहिए, मुक्ति पे देता है। बात कर रहा था मैं शब्द की, ये शब्द का चयन ठीक से हो और सही स्थान पर हो। वो पण आपने जो देखा ना कि यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, सबके अर्थ बदलते गए, ऐसे ही शब्द चयन कहते हैं कि बहुवर्धा शब्द, शब्दों के कई अर्थ होते हैं।
कवि शब्द है, समझो ये काव्य की बात है, कवि के कटवा में ये कवि शब्द जो है इसके कई अर्थ है। कवि ही थी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का नाम कवि है। कवि ही क्रांत दृष्टा, जो क्रांत दर्शन करता है वो कवि है। कवि इज अ पोएट, जो अपने संवेदनों को व्यक्त करता है वो कवि है। कवि है जो बुद्धिमान है, अपने यहां प्रतिष्ठा हुए कवि की, व्यास वाल्मीकि की आ बधाने कदी अपने भूलवाना नथी। दे आर एवर विथ अस, अने वेदोए जे आखी परंपरा आपी छे ए परंपरा आपणी हजु पण भारतमां व्यवस्थित रीते जे टकी रही छे, इन स्पाइट ऑफ मेनी 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 डिफरेंसेस। कई धर्म हैं, कई ज्ञातियां हैं, आ बधुं होवा छतां एक अखंड हो भारत जननी, भारत माता एक होय। जो वैदिक ऋषिओ ए पण राष्ट्रनी वात करी छे, राष्ट्र सूक्त छे वेदमां, राष्ट्रनी वात करी छे, एक राष्ट्रनी। चाणक्य, चाणक्य सूत्रमां छे ज। शंकराचार्य जी, आदिशंकर, के जेमणे एक भारत राष्ट्रने राखवा माटे आखा देशमां भ्रमण कर्युं અને ચાર દિશાઓમાં ચાર પીઠની સ્થાપના કરી, પ્રત્યેક પીઠનો અમુક અમુક અધિકાર આપ્યો કે આ તમારે સંભાળવાનું, આ તમારે સંભાળવાનું, પણ પણ અદ્વૈતની ફિલોસોફી તો એક જ રહેવાની છે, એમાં જુદા પડવાનું નથી। શંકરાચાર્યજીએ પ્રયત્ન કર્યો, સ્વામી વિવેકાનંદે પ્રયત્ન કર્યો, કન્યાકુમારી પાસે વિવેકાનંદ રોક ઉપર જઈને બેઠા, શું કરવા, એને અખંડ ભારતનું દર્શન કરવું છે, મારું ભારત તે આ છે, અને મારું ભારત એટલે કન્યાકુમારી અથવા કોંકણ કે તમિલનાડુ આટલો પ્રદેશ નહીં, મારું ભારત એટલે આ સેતુ હિમાચલ, આ સેતુ હિમાચલ, સેતુબંધથી માંડીને હિમાલય પર્યંત એ મારો દેશ છે, દ્વારિકાપુરીથી જગન્નાથપુરી સુધી એ મારો દેશ છે। વિવેકાનંદજીનું આ દર્શન એ અખંડ ભારતની કલ્પના છે। એક હૃદય હો ભારત જનની, વો જો અભિવ્યક્તિ હૈ, ઉસ અભિવ્યક્તિ કો લીએ હુએ કશ્મીર કો અપના હી માનતે હૈ, કોઈ અલગ નહીં હૈ। એ કઈ ગલતી હો ગઈ ભૂતકાળ મેં, उसको स्वतंत्र राज्य बनाया, वो सब ठीक है सर, लेकिन कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। क्यों, ये जो दुर्घटना हो गई, माफ करे ईश्वर, पर दुर्घटना थी, कुछ ना समझी में ये हो गया होगा, लेकिन अब दिन आया है। 370 आप सब जानते हैं, तो इस संदर्भ में उपेंद्र जी ने जो लिखा है वो सब त्रासदी विवेचन, जैसे काव्य इन्होंने बताए कि अपनी मां से कहते कि मां पता नहीं क्या होगा, सब अंधेरा अंधेरा, अखबारों में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि अभी भी वहां का त्रास खत्म हुआ नहीं है। जब अपने सिर पर ऐसे आघात आते हैं तब हमें भी जागरूक होना हुआ। मस्तक जो टूट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म हो गया, तो कश्मीर तो अपना मस्तक है, मुकुट है अपना, इसको बचाना है, इसको संभालना है, अपने साथियों को साथ लेकर चलना है। अनुवाद में दूसरी एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे तो कवि करोति काव्यानि, कवि तो काव्य करता है, लेकिन एक काव्य का आस्वाद कौन जानता है, कौन लेता है,
कवि करोति काव्यानि स्वादु जानन्ति पंडिताः। जो लोग पंडित है, यहाँ पंडित का अर्थ पोथी पंडित नहीं, पंडित जिनका हृदय पक्व हुआ है वो पंडित है। कवि करोति काव्यानि स्वादु जानन्ति पंडिताः। और उदाहरण देते हैं, तरुहु प्रसूते पुष्पाणि, वृक्ष तो पुष्प पैदा करता है, उसकी सुगंध वो नहीं लेता। और गंधम जिग्रंथि मानवा, इसकी सुगंध लेते हैं मानवी लेते हैं, मानवी लेते हैं। तो जैसे वृक्ष का, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियां न पिए कभी अपना जल, ये परोपकार के लिए ही इनका जीवन होता है। एक कवि की बात जब हुई ना, तो मुझे ये कहना था कि कभी कभी कवि यशप प्रार्थी होता है, कवि यशप प्रार्थी तो ठीक कवि नहीं, जिसको कोई कामना नहीं है वो कवि होता है, जिसकी संवेदना अपने आप बाहर आ जाती है वो कवि है। मुझे इसके लिए लिखना है तो उसमें बुद्धि का अंश आ जाएगा, उसमें शब्द की चमत्कृति आएगी, आडंबर आएगा, लेकिन सही कवि उसके पीछे नहीं पड़ता है, उसको लिखना है बस लिखना है, हो गया। व्यास जी ने जी लिखा होगा, वाल्मीकि ने रामायण लिखा होगा, यशव प्रार्थी थे ही नहीं, तुलसी ने वो लिखा रामचरितमानस, तो यशव प्रार्थी थे ही नहीं, अपनी व्यक्ति को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने गाया और हो गया। गंगा सती अपनी गुजरात की गंगा सती, ना कुछ पढ़ी लिखी तब भी गंगा सती के काव्यों के ऊपर पीएचडी लोग कर रहे हैं। तो बात ये थी कि ऐसा होने पर अपनी अंदर की अभिव्यक्ति को, आत्मा के आत्मा की आवाज को ऐसे ही बाहर निकालते हैं और तभी सच्चा काव्य पैदा होता है। अनुवाद में एक और भी बात जोड़ना चाहूंगा, और इसके पहले छोटी सी अनुभूति। हम स्टाफ रूम में बैठते थे कॉलेज के, और एक प्रोफेसर हमारा नड़िया से अपडाउन करता था। कभी ऐसा हुआ कि इसके चेहरे पर दाढ़ी करके आया था, लेकिन चेहरे पर दो चार बाल ऐसे ही छूट गए। तो किसी ने कहा कि भाई ये क्यों छूट गया है, तो कहते हैं कि एक्सप्रेस डज नॉट स्टॉप, एक्सप्रेस डज नॉट स्टॉप एट द लोकल स्टेशंस। छोटे छोटे स्टेशन पर एक्सप्रेस कभी रुकता नहीं। अनुवादक जब काम करता है तब ये भी छूटना नहीं चाहिए, चौकसाई चाहिए बराबर, कोई शब्द इधर उधर ना हो, कुछ छूट न जाए, ये सब करना है। साधना जी ने काफी परिश्रम किया है, काफी सोचकर ये सब किया है। ये अपने निमंत्रण कार्ड में, अपने निमंत्रण कार्ड में महात्मा जी का एक वाक्य लिखा है कि मानव की महानता मानव होने में है। इट इज एन एक्सीडेंट दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, पर उनको बंद करने के लिए वो साइन कर, मानवीय होने में है, हम मानव हैं, मानवी बने, अहिंसा का आचरण इसका प्रत्याघात करना है तो
तो बलवान शब्द से प्रयोग करते हैं, और ये शब्द शस्त्र, ये शब्द शस्त्र बढ़ाने के लिए इन्होंने उपेंद्रनाथ जी ने इशारा किया है। हम लोग जब लिखें तब कश्मीर को केंद्र में कुछ लिखेंगे, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर यहां जो भी इकट्ठे हुए हैं वे सब उस संवेदना लेकर आए हैं, और अपनी संवेदना ज्यादा से ज्यादा जागृत हो। हम जो भी करें पूरे देश को ख्याल में रख के करेंगे, देश हमारा भारत है, भारत माता की जय। जय राम। जय राम।